नमस्कार दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2019 शुक्रवार। आज की जो मुख्य 10 खबरें हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके सभी खबरों को वो जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का वो दर्जा आज से ऑफिशियली मिल गया है। इनके तहत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख वो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जो केंद्र सरकार के अधीन है वो रहेगा। और इन दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के उपराज्यपाल ने वो आज शपथ लिया है। वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश मुर्मू ने शपथ लिया है और वहीं पर लद्दाख के आरके माथुर ने वो शपथ लिया है। इन दोनों को शपथ है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो दिलाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर की अगर बात करते हैं तो वो अगली बड़ी खबर दूसरी निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर सरकार के गठन को लेकर वो पेच फंसा हुआ है और इसी बीच शिवसेना के संजय रावत ने वो एनसीपी के शरद पवार से मिलकर वो मुलाकात की है और इस मुलाकात के वो कई मायने वो निकाले जा रहे हैं कि शिवसेना वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर क्या सरकार बनाने वाली है, क्या महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका वो लगने वाला है। तीसरी बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है इस्लामिक स्टेट आतंकवादी ग्रुप से। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी ग्रुप के जो आईएसआईएस है, उन्होंने अपने नेता अबू बकर अल बगदादी की जो मौत की पुष्टि है वो कर दी है और इनके साथ ही अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स ने भी इसकी मौत का वीडियो वो जारी किया है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ने अपने जो नए सरगना अभी इब्राहिम अल हाशमी को है वो अपना नया सरगना चुना है। वहीं पर अमेरिका का कहना है कि चाहे आईएसआईएस है वो किसी भी अपने नेता को चुन ले, उनका भी खात्मा होना है वो निश्चित है और डेल्टा फोर्स ने ये वो दृढ़ निश्चय कर रखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि आज असहिष्णुता हिंसा है वो देश के अंदर बढ़ रही है, हमारे इतिहास और समाज के ऊपर झूठ और अवैज्ञानिक तथ्य वो थोपे जा रहे हैं और ये देश के उदारवाद धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक की जो नींव है उन सब के वो खिलाफ है। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आरएसएस के घोर विरोधी थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी आज मानती है तो गर्व महसूस होता है। वो पटेल जिनको आज भारतीय जनता पार्टी मान रही है, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी रहे थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने गवर्नर से मिलकर वर्षा प्रभावित इलाकों के अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं उनको वो उठाया है और साथ में ही उन समस्याओं का निराकरण के लिए भी बातचीत वो की है। अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से वो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता वो चुन लिया है। जी, विधायक दल का जो नेता इन्होंने एकनाथ शिंदे को चुना है और विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के अंदर आज शिवसेना पार्टी है वो राज्यपाल के पास जाएगी और वहां पर अपनी है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बारे में अगर उनसे पूछा गया तो इन्होंने किसी भी प्रकार का जवाब देने से वो इनकार किया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से। नवजोत सिंह सिद्धू जिनको पाकिस्तान की तरफ से वो न्योता मिला है करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर, और उन्होंने इस न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। जब इनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया तो इन्होंने बताया कि यह जो न्योता है उनको एक सिख होने के नाते और उनकी आस्था के नाते दिया गया है और साथ में ही उनके वो निजी संबंध है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ है, दोस्ती है, इसलिए ये न्योता वो दिया गया है और मैं स्वीकार करता हूँ। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है चाइना की तरफ से। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश वो बनाया गया तो चीन ने इसके ऊपर फिर से सवाल है वो उठा दिया। वहीं पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस पर वो जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अक्साइन चीन है वो भारत का हिस्सा है और चीन ने इस पर अवैध तरीके से वो कब्जा कर रखा है और जो चीन ने जम्मू कश्मीर के के ऊपर कब्जा कर रखा है जल्द ही भारत है वो उस कब्जे को छुड़ाएगा जिससे चीन है वो बौखला चुका है। वहीं पर अगली अगर बड़ी खबर की बात करते हैं तो वो निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरफास्ट ट्रेन तेजगाम एक्सप्रेस है, उनके अंदर आग लग गई है जिसके अंदर लगभग 60 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर 50 लोग वो घायल होने की भी खबर आ रही है और आग लगने का कारण है वो सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यात्री है वो ट्रेन के अंदर ही खाना पका रहे थे और जिसके चलते वो सिलेंडर फट गया और ट्रेन के अंदर वो आग लग गई और जिसके कारण वो इतनी बड़ी वो त्रासदी हुई है और पाकिस्तान सरकार इसके बारे में जायजा ले रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है
ये पाकिस्तान की तरफ से ही है, जहां पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से वो देखी जा सकती है। जी दोस्तों, जाधव कुलभूषण जाधव केस के अंदर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस वो नहीं दिया है और इनकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से वो डांट पड़ी है, जहाँ पर 193 देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उनके सामने ही पाकिस्तान को ये डांट है वो पड़ी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सबसे बड़ी 10 खबरें? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें। धन्यवाद।